भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर पहुंचकर विशाल आम सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष ने इस दौरान कांग्रेस का वंशवाद से नाता जोड़कर जमकर कोसा। अध्यक्ष ने आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया हो या स्वच्छता भारत अभियान, सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य बताया, सबका साथ सबका विकास। अपने संबोधन के बाद भाजपा अध्यक्ष मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि का दर्शन करने के बाद पुनरु लौटे। जोधपुर सूर्य नगरी में युवाओं का ये समंदर देखकर हृदय को अति हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई। मुझे भी मेरे भारतीय जनता पार्टी का जब मैं कार्यकर्ता बना था वो दिन याद आते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं। और साहब जी, देश भर की सभी राजनीतिक दलों में अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ समिति का अध्यक्ष रहते 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 आगे आया है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आपके सामने खड़ा है। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। भिंड जिले के पुरगांव में देशी शराब के ठेके पर गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दो युवकों के साथ मारपीट करने पहुंचे ठेके मालिक के साथ लगभग 12 लोगों पर ग्रामीण टूट पड़े, जिसके बाद मालिक ने अपने आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाई है। वहीं मौके से भागे शराब ठेके मालिक के दो वाहनों में घुस आए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी की है। बताया गया कि शराब व्यापार में लेन देन को लेकर गाँव के लोगों से विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कैमरा 24 के लिए भिंड से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट। जो यहाँ पर जो ठेका संचालित कर रहा है देशी शराब का, वो ठेकेदार अपनी चार पांच गाड़ियों से, जिसमें स्विफ्ट डिजायर और बड़ी गाड़ियां यहाँ रखी हैं, सब टूटी फटी, इनके द्वारा ये आया ठेकेदार और अपने गुंडों को लाया। पहले उसने यहाँ पर हमारे गांव के कुछ एक साथी हैं उनको बहुत उसने मारा और मारने के बाद कई राउंड फायर किए, पुलिस भी आई है, राउंड जब्त हो गए, पुलिस ले गई और जो लड़का पकड़ा गया है जिसको, तो वो भी पुलिस ले गई। और दो तीन नाम बता रहे हैं, मुकेश भदौरिया जो यहाँ पर ठेका का वो है मैनेजर, और एक बिट्टू करके कोई, और दो तीन और लड़के थे वो सब आए और उन्होंने ये उत्पात मचाया। कितने तो लोग थे लगभग? कम से कम होंगे 12-15 लोग, हथियार से आए थे सभी लोग। पुलिस ने कितने लोग मौजूद थे, गवाह हैं सब? पुलिस ने कितने लोग को गिरफ्तार किया? पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसको गांव वालों ने पकड़ लिया था भागते हुए, फायर करने के बाद, मारापीट करने के बाद, इसको एक को इतना मारा वो हॉस्पिटल पहुंच गया, मारापीट हुई उसके खून का। चल सूचना मिली थी कि गाँव में जो देसी शराब का ठेका है, ठेका जिनका है उनसे गांव वालों का कुछ विवाद हो गया है जिसमें गोली वोली चली है। उसमें मारपीट में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बाकी जिन लोगों ने मारपीट की या गोली चलाई थी उनमें से गांव वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, उनको थाने भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट पर से उसमें वैधानिक कार्रवाई हुई। कितने फायर चले थे ऐसा गाँव वालों का कहना है, गांव वालों का कि इसमें 3-4 फायर हुए, दो गाड़ी कार मौके पे क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, सुकुमार नाम एक दो गाड़ियां और हैं जो यहां से मौके पर चली गई। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। SC ST एक्ट के विरोध में प्रदेश और केंद्र सरकार का करनी सेना और सपाक्स द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं धार में भाजपा के निष्कासित नेता तथा भोजशाला आंदोलन से जुड़े अशोक जैन ने समरसता कुंभ आयोजित किया। इस आयोजन में RSS के समरसता विभाग प्रमुख प्रमोद झा और संत श्यामदास जी ने समाज को तोड़ने वालों को करारा जवाब दिया और अपने भाषणों से हिंदू समाज की एकता का न सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि हिंदू समाज की एकता के फायदे भी बताए। जब हम साथ में लड़े तो द्रौपदी के बाल खींचने वाले के हमने प्राण को गंवाना पड़ा, महाभारत का युद्ध होना पड़ा, लेकिन जब हम साथ नहीं रहे तो हमारी पद्मिनी महारानी को भी प्राण देना पड़े। आज हिंदू समाज फिर से, आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं, फिर से हिंदू समाज को तोड़कर फिर से इस देश में चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू विरोधी लोग हो और हमको उसका सामना। आज जो देश की स्थिति चल रही है कि हिंदू समाज को वापस तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके मन में पाप है, जिसको भारत माता का टुकड़े करना चाहता है, ऐसी स्थिति में लगा क्यों नहीं हम धार से ही यह पहल कर शुरू करें कि भारत का हिंदू एक है, उसी को लेकर ये मन में योजना बनी कि क्यों नहीं हम भारत माता की आरती और पूजा कार्यक्रम करें, क्योंकि भारत माता
सभ्यस्त हिंदू समाज की देवी है, माता है, इसलिए इसको निमित्त हमने धार में सभी समाज को एकत्रित किया, जिसके कारण आज ये समरसता महाकुंभ हुआ है। और मुझे आशा है कि जो धार में हुआ वो सभी जगह होगा कि हिंदू भाई हम एक है, समय आने पर सब एक साथ बैठकर देश की रक्षा करेंगे और भारत माता के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिनके मनसूबे हैं कि भारत माँ के हम टुकड़े करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज जो मातृशक्ति यहाँ पर रही है हजारों की संख्या में, उससे देख के लगता है कि धार का आवाज़ पूरे देश में जाएगी, क्योंकि जो कार्यक्रम हुआ आज तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। पहली बार धार में ऐसा जो हमने प्रयास किया, जो वहाँ धार के हिंदू समाज ने जिस प्रकार से सहयोग दिया कि सिर्फ निमंत्रण पत्र से अपना सब काम छोड़ के यहाँ पर आए और सुबह 11 बजे से अभी तक बैठी है माता बहनें और भाई बहन, मैं उन सभी का आभारी भी हूँ। क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल अशोक जैन के मित्रमंडल लगे थे, सैकड़ों कार्यकर्ता लगे थे जब ये कार्यक्रम हुआ, आज 15 दिन की योजना के बाद जो संदेश गया धार शहर में, और धार शहर ऐसा धार राजा भोज की ऐसी नगरी है कि यहाँ से जो चीज़ चलती है जो पूरे देश में उसका। दरअसल धार में रविवार को समरसता कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा कायम रखना बताया जा रहा है। कार्यक्रम में सबसे पहले भारत माता की आरती की गई और इसके बाद विभिन्न समाजों के प्रमुख ने मंच से अपने विचार रखे, जिसमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया गया। वहीं समरसता कुंभ में लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कैमरा 24 के लिए प्रतीक राठौर की रिपोर्ट। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश उमरिया जिले में एक अधेड़ ने जब पेड़ से लटक कर फांसी लगाने का प्रयास किया तो रस्सी टूटने के कारण अधेड़ घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला ग्राम बेलसरा का है, जहां हैत सिंह नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय में कर्मचारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। एम्बुलेंस वाहन चालक ने बताया कि लगभग 20 मिनट तक ना तो कोई वार्ड बॉय की मदद मिली और ना ही स्ट्रेचर मिला, जिससे परिजनों को स्वयं ही घायल को अंदर पहुंचाना पड़ा। यहाँ 15-20 मिनट हो गए, कोई अभी कोई आया नहीं है, न वार्ड बॉय का पता है, न स्ट्रेचर है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ नहीं है। बताइए ऐसी स्थिति है, मरीज की फांसी लगा लिया था ये और ये गिर गया, इसके सर में भी चोट है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ देख लीजिए स्टाफ पे हाल है, हम गाड़ी चलाएँ कि क्या क्या करें आप बताइए। क्या है आप? तो हम बेलसरा से लेके आए, बेलसरा गाँव है राठा के पास, वहाँ से लेके आए, यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेके आ गए। अब बताइए यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए खड़े, यहाँ कोई वार्ड बॉय ना कोई ना कोई है। किसी का ये क्या है, कहाँ? उमरिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश डिंडौरी जिले के उत्तर समनापुर वन परिक्षेत्र में तेंदुए की खाल की तस्करी करते दो आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कान्हा टाइगर रिजर्व की स्पेशल टीम और समनापुर वन विभाग की टीम ने आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से तेंदुए की खाल के अलावा नाखून एवं पूजन पाठ की सामग्री तथा एक बाइक भी बरामद की गई है। डिंडौरी वन विभाग से LL सयाम ने बताया कि दोनों आरोपी अनूपपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी के दो साथी चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। और ये शिकार जो हम 3-4 महीने पहले तेंदुए का किए थे, बाद में ये लोग बेचने के चक्कर में यहाँ आ गए, गुप्तचरों ने बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं करपाकुन्हा टोला, ये घुरी टोला का है, एक करौंदी का है, जिला अनूपपुर जिला का है। कितने आरोपी? दो हैं। ये खरीदने वाले कौन थे, कहाँ से थे, इसके क्या खरीदने वाला ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, उनका नाम तो नहीं जानते हैं, बाकी हम चेहरे से जानते हैं खरीदने वालों को। हाँ ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। गुना जिले के चाचौड़ा तहसील अंतर्गत नईपुरा गांव में गुर्जर समाज द्वारा भगवान श्री देवनारायण जी का जन्मोत्सव मनाया गया। समाज के लोगों ने ग्राम से गुंजारी तक जुलूस निकाला, जिसमें चाचौड़ा विधायक ममता मीना भी शामिल हुई। कैमरा 24 के लिए चाचौड़ा से शिवम नामदेव की रिपोर्ट। इसलिए प्रदर्शन करने के लिए
जी लगभग कितने सालों से ये निकाला जा रहा है? ये 150-200 साल पुराना ये असल बात है, 150 साल से कम। यार कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर।